वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो फॉर डेली गेमर्स न्यूज एंड अपडेट्स। हम 200K के काफी ज्यादा क्लोज हैं और हम आपके लिए मॉर्निंग में गेमिंग न्यूज और ट्रेंड न्यूज लेकर के आते रहते हैं। तो नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर्स फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दो। तो वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इंडिया प्लेस फॉल गाइस के साथ। तो रिसेंटली इंडिया प्लेस फॉल गाइस में 24 स्ट्रीमर्स के बैटल की हमने बात करी थी कल, एंड ये फन बैटल हमें देखने को मिला लाइव पार्टिकुलर प्लेयर्स की स्ट्रीम पर, जहां पर बहुत से फनी और क्रेजी मोमेंट्स रहे। एंड वन ऑफ फैन फेवरेट मोमेंट मॉर्टल आर्मी और स्काउट आर्मी का वो था जहां पर स्काउट एलिमिनेट होने के बाद जब देखते हैं कि मॉर्टल लोन बैटल कर रहे हैं 1v1 एंड स्काउट चीयर अप करते हैं मॉर्टल को क्वालिफाई करने के लिए, वेल ऑडियंस को ये मोमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया। अब बात कर लेते हैं TSM Entity के बारे में। तो जिस वीडियो के बारे में हमने कल बात करी थी, यानी बिहाइंड द सीन्स वीडियो जोनाथन के बर्थडे सेलिब्रेशन की, वो अपलोड हो चुकी है घातक के चैनल पर। तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये कैसी लगी। अब बात कर लेते हैं इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स के बारे में। तो इनिशिएटिव ईस्पोर्ट्स की ऑफिशियल कॉल ऑफ ड्यूटी लाइनअप अनाउंस हो चुकी है एंड प्लेयर्स नेम ऑन स्क्रीन आप पढ़ सकते हो। एंड अब बात ज्वाइनिंग की हो रही है, तो कमलजीत पाजी की ऑफिशियल ज्वाइनिंग इनिग्मा ईस्पोर्ट्स में अनाउंस होते हुए नजर आई। अब बात कर लेते हैं मिस्टीरियस YT के बारे में। तो रिसेंटली उन्होंने रिएक्ट किया उन चैनल्स पर जो व्यू बॉट यूज कर रहे हैं, एंड ये कहा कि ना सिर्फ व्यू बॉट बल्कि लाइक बॉट भी यूज कर रहे हैं, एंड ये कहा कि व्यू बॉट के जमाने में अगर 200 की वॉचिंग भी आ रही है तो खुश रहो। अब बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो रिसेंटली मॉर्टल ने कंप्लीट कर लिया वे आउट गेम वाइपर के साथ, एंड इस गेम को ऑडियंस और उन्होंने काफी ज्यादा इंजॉय किया। ऑल्सो अब ऑडियंस ने उनसे ये पूछा कि पबजी चल रहा है तो वो क्यों नहीं खेल रहे, तो उनका बेसिक रिस्पांस ये था कि ओपन हो रहा है लेकिन लीगली अलाउड नहीं है, एंड पबजी इंडियन वर्जन के बाद वो जरूर खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी के बारे में। तो रिसेंटली कैरी मिनाटी एटा हेलेंटर को बीट करके बन चुके हैं नंबर 1 यूट्यूबर ऑफ एशिया, एंड इस पे उनको जब कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज और सुपर चैट आने लगी तो उन्होंने ये कहा कि ये सब अपने आप हो जाता है, एंड वो इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। आगे उन्होंने ये कहा कि ये सब आप लोगों एंड वो नहीं है, तो उन्होंने अपने सभी फैंस को कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट से एक बंदा रॉकेट लीग के फ्रेंडली कॉम्पिटिशन के बारे में पूछता है कि आखिर मॉर्टल आर्मी वर्सेस स्काउट आर्मी फ्रेंडली बैटल कब देखने को मिलता है, एंड इसके रिगार्डिंग स्काउट ने ऑन स्ट्रीम तो ये कहा था कि जल्दी, बट कल शाम को ये अनाउंस किया स्काउट और विलेजर ईस्पोर्ट्स ने कि 28 सितंबर को रॉकेट लीग फन इवेंट होगा। तो लेट्स सी ये कितना एक्साइटिंग होता है। ऑल्सो स्काउट ने ट्रैवलिंग से रिलेटेड ये कहा कि वो नेक्स्ट मंथ दुबई ट्रैवल करने वाले हैं, एंड आने वाले टाइम में शायद वो सिंगापुर भी जाएं घूमने के लिए, एंड फर्स्ट लॉक दुबई का जल्दी हमें देखने को मिलेगा। सो मूविंग अहेड, स्काउट ने रिसेंटली ये स्टोरी पोस्ट करी कि जो भी फैन पेजेस हेट स्प्रेड कर रहे हैं उनके नाम से वो डेफिनेटली फैंस नहीं है, एंड आगे ये कहा कि जो पेजेस हेट स्प्रेड कर रहे हैं वो किसी के फैंस नहीं है और वो खुद को फैंस कहना छोड़ दें। एंड इसके बारे में उनके एक फैन पेज ने रिप्लाई स्टोरी अपलोड करी, एंड ये कहा कि उन्होंने 1.5 साल पहले ये फैन पेज शुरू किया था सिर्फ फन के लिए, एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेटर का टैग लगेगा, वो भी एक मीम की वजह से जो फन के लिए किया था। यहाँ से कुछ अर्न नहीं किया तो फॉलोवर्स और व्यूज का क्या करना। अब बात कर लेते हैं गेमिंग गुरु के बारे में। तो रिसेंटली गेमिंग गुरु ने शॉर्ट क्यूने सेशन में ये बताया कि उनका फेवरेट प्लेयर स्काउट है। फर्दर उन्होंने इंस्पिरेशन की बात करी, जहां उन्होंने बताया कि उनके डैड शाहरुख खान और भुवन बामन कैरी मिनाटी उनके इंस्पिरेशन है। अब बात कर लेते हैं IG मैक्सी के बारे में। तो रिसेंटली IG मैक्सी ने ये अनाउंस किया कि वो कॉम्पिटिटिव लीव कर रहे हैं, एंड वो बस स्ट्रीमिंग पर फोकस करेंगे, एंड अब वो फुल टाइम स्ट्रीमर हैं। अब बात कर लेते हैं सुमित 007 के बारे में। तो रिसेंटली सुमित 007 ने ये अनाउंस किया कि वो जल्दी दो चीजें लेकर के आने वाले हैं, एंड हाइप क्रिएट करते हुए वो नजर आए। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो गेमिंग इंडस्ट्री को ग्रो होता देख माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिसीजन लिया है और गेमिंग कंपनीज को खरीदने का फर्दर डेवलपमेंट और मॉडिफिकेशन के लिए, एंड रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने $7.5 billion में न्यू गेमिंग कंपनी बाय करी, एक मेजर ब्लो देते हुए अपने राइवल कंपनी सोनी को। अब बात कर लेते हैं वेलोरेंट के बारे में। तो वेलोरेंट PC पर गेम्स में काफी फेमस है, बट क्या होगा अगर ये गेम मोबाइल पर हमें देखने को मिले। तो अकॉर्डिंग टू वेरीफाइड आर्टिकल्स ऑफ .esports वेलोरेंट को काफी तेज स्पीड से ग्रो होता देख रायट गेम्स शायद आने वाले टाइम में एंड्रॉइड और iOS के लिए वेलोरेंट को लॉन्च कर सकती है। तो जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आगे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एंड इसके लिए गाइस आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। ऑल्सो रायट गेम्स का फर्स्ट वेलोरेंट टूर्नामेंट होने वाला है वेलोरेंट स्ट्राइक फर्स्ट, जो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स का टूर्नामेंट होगा। अब बात कर लेते हैं फॉल गाइस और अमंग अस गेम के बारे में। तो आफ्टर पबजी मोबाइल गेटिंग बैन एंड फॉल गाइस एंड अमंग अस गेटिंग ऑन ट्रेंड, काफी ऑडियंस फ्रेंडली बैटल करती थी कि कौन सा गेम ज्यादा अच्छा है, बट कुछ ऑडियंस को ये लगता था कि ये राइवल्स हैं। तो फॉल गाइस ने अप्रिशिएट किया है अमंग अस गेम को, एंड ये देख करके थॉट्स क्लियर होते हैं कि ये दोनों कंपनीज रेस्पेक्ट करती हैं एक दूसरे की। अब बात कर लेते हैं फोर्टनाइट के बारे में। तो फाइनली BTS इमोट हमें देखने को मिला फोर्टनाइट में #DynaNight, एंड इस इमोट पर BTS फैंस काफी खुश नजर आए।
खासकर इंडिया की मोस्ट ऑफ फीमेल्स। ऑल्सो फॉर्टनाइट ने मार्वल के साथ कोलैब में एक ट्वीट किया, बट थिंग्स वेंट अपोजिट एंड लोगों को वो पसंद नहीं आया देख करके। अब बात कर लेते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में। तो रिसेंटली क्लैश ऑफ क्लैंस ने क्लिप शेयर करी आउटर स्पेस यानी यूनिवर्स की, जिसको देख करके ऐसा लग रहा है जैसे कुछ यूनिक अपडेट हमें देखने को मिलने वाला है। वेल लेट्स सी वो क्या होता है। अब बात कर लेते हैं सोल रेगल्टॉस के बारे में। तो रिसेंटली रेगल्टॉस हमें स्ट्रीम पर वापस नजर आए एंड जैसे कि मैंने बताया था कि उनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे थे एंड थग और गोल्डी भाई ने मिल करके वो स्ट्राइक हटवाई, जिसके बारे में रेगा ने ऑन स्ट्रीम बात भी करी। अब बात कर लेते हैं पोकेमाने के बारे में। तो रिसेंटली पोकेमाने ने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें उन्होंने $10,000 रैंडम ट्विच स्ट्रीमर्स को डोनेट किए एंड रैंडम स्ट्रीमर्स के रिएक्शन काफी शॉकिंग और सरप्राइजिंग नजर आए एंड आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं डायनेमो के बारे में। तो डायनेमो गेमिंग निकल चुके हैं ट्रैवल पर एंड अराउंड 8 से 10 दिन बाद वो स्ट्रीम पर नजर आएंगे, जिसके बारे में मैंने डिटेल्स में कल की वीडियो में आपको बताया है। अब बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। तो पबजी मोबाइल इंडियन वर्जन अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जल्दी हमें इंडिया में देखने को मिलेगा, बट रीजन बिहाइंड कि ये गेम आखिर इंडिया में क्यों आ रहा है एंड क्यों इतना क्रेज डेवलप हुआ इस गेम के रिगार्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू विलेजर ईस्पोर्ट्स 4 बेसिक रीजन ये हैं कि सबसे पहले इंडिया में ईस्पोर्ट्स डेवलप कर रहा है पबजी मोबाइल के थ्रू, सेकेंडली काफी प्लेयर्स की अर्निंग सोर्सेज था पबजी मोबाइल, थर्डली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट था पबजी का बैन होना एंड फोर्थ ये कि पबजी मोबाइल स्ट्रीमर्स के व्यूज एंड लाइव वॉचिंग बहुत डाउनग्रेड हो चुके थे, जिससे गेमिंग सिनारियो इंडिया में डूबता हुआ नजर आ रहा था। तो हाई होप्स है कि अब ईस्पोर्ट्स सिनारियो और जिन प्लेयर्स का इनकम सोर्सेज था पबजी मोबाइल और जो यंगस्टर्स थे इस गेम में, उनको वापस से ग्राइंड करने का मौका मिलेगा एंड एक बार ये गेम हो गया तो बैन भी नहीं हो सकता क्योंकि टेंसेंट से रिलेशन नहीं होगा। तो ये थी आज की सारी गेमिंग न्यूज एंड अपडेट। वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, हम 200K के काफी ज्यादा करीब हैं। तो मैं मिलूंगा आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए रैक्स साइनिंग ऑफ।